नमस्ते स्वामी जी। हरे कृष्णा। स्वामी जी आप कहाँ से हो? मैं इस्कॉन से हूँ। स्वामी जी, मैं तो इस्कॉन के बारे में कुछ सुना हूँ, क्या आप इस्कॉन के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बताऊँगा, आप आराम से बैठ जाइए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास होगा। विकास, बहुत अच्छा नाम है। ये इस्कॉन जो संस्था है, इसका इंग्लिश में इस्कॉन है, और इसका जो पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर इसको हम हिंदी में अनुवाद करें तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इसके जो संस्थापक आचार्य है कृष्ण कृपा मूर्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद। हालांकि उनका जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन इस संस्था को उन्होंने न्यूयॉर्क में स्थापना की, और इस समय इन्होंने इसका नाम ऐसे दिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये जो शब्द है कृष्ण भावनामृत, इसी शब्द के पीछे ये संस्था को बनाने का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य छिपा हुआ है। कृष्ण भावनामृत अर्थात जो संस्थापक आचार्य है श्रील प्रभुपाद, वो ये बताना चाहते हैं कि ये संस्था का मूल लक्ष्य है लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना। तो हो सकता है कि आप पूछेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा। फायदा यह है कि लोग अगर कृष्ण भावनामृत बनेंगे, अर्थात उनका हर काम में अगर वो कृष्ण को जोड़ेंगे, तो उनका जीवन जो है सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। आप पूछेंगे हम कृष्ण को कैसे जोड़े? तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत आसानी से हमें बताए हैं कि हम अपने जीवन को जीवन के साथ, जीवन के हर कार्यकलाप के साथ हम कृष्ण को कैसे जोड़े। बहुत समय में लोग कहते हैं हम तो कर्म योगी है, हम कर्म करते हैं, क्योंकि भगवान ने भी कहे हैं कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने ये बताए कि भगवान ने कर्मी बनने के लिए नहीं कहा है, बल्कि भगवान ने कर्म योगी बनने के लिए कहे हैं। कर्म योगी का मतलब क्या है? कि कर्म को तुम्हें भगवान के साथ योग करना होगा, तभी जाके उसको कर्म योगी कहा जा सकता है। नहीं तो वो कर्म योगी नहीं है, वो कर्मी बन के रह जाता है। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ये जो संस्था बनाए, ये बहुत ही लाभदायक है संसार के प्रति, और प्रैक्टिकल भी है। श्रील प्रभुपाद जी 1966 में ये संस्था की स्थापना की, और 1977 तक उन्होंने इस धराधाम में अपने ये भक्ति योग की शिक्षा दी, और 1977 में उन्होंने जो है ये संसार छोड़ के फिर भगवत धाम में चले गए। लेकिन ये जो 12 साल में उन्होंने कई महान कार्य किए हैं। एक तो महान कार्य ये है कि 108 बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की उन्होंने पूरे देश विदेश में, और कई गौशाला, कई गुरुकुल, इसी प्रकार उन्होंने कई प्रकार के जो है जो भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के बड़े बड़े काम किए। तो श्रील प्रभुपाद जी एक संस्था को स्थापना किए, और इसमें ऐसे उन्होंने अपने शिष्यों को
शिक्षा दिए, आज पूरे देश विदेश में 700 मंदिर, 700 से भी ज़्यादा मंदिरों का स्थापना हो चुका है, कई गौशाला है, कई जो है गुरुकुल है, और 180 से भी ज़्यादा देशों में ये सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रभुपाद जी ने शास्त्रों को ऐसे लोगों के पास पहुँचाए कि बड़ी आसानी से लोग इसको समझने लगे। पहले तो लोग पूछते थे कि ये तो संस्कृत में होगा, हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी ने संस्कृत भाषा को बड़े आसानी से विभिन्न भाषा में जो है उसको अनुवाद किया गया, और प्रभुपाद जी ने अपना जो जीवन का अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति, उनका जो 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 आत्मसाक्षात्कार वो भी इस किताब में, प्रभुपाद जी की जो किताब है उस किताब में ऐसे दिए कि लोगों को भक्ति को अभ्यास करने के लिए बड़ा आसान कर दिए। इसी कारण आज जो दूसरे जो पथ को अवलंबन करने वाले भी, वो भी श्रील प्रभुपाद जी के किताबों के प्रति आकर्षित होते हैं और कृष्ण भक्ति का जो है प्रैक्टिस करने लगते हैं, अभ्यास करने लगते हैं। तो इसी प्रकार ये जो इस्कॉन जो है ये समाज के लिए सबसे बड़ा वरदान माना गया है। अभी आज पूरे विदेश में इस संस्था के कारण हमारे जो वैदिक सभ्यता को लोग जो है अभ्यास कर रहे हैं, और हमारे जो भारत में जो हमारे जो धाम है, जो वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, इस धाम में भी बाहर के लोग आकर्षित होकर आते हैं, और इसको जब प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो अपने आप ही उनके जीवन में आनंद और सुख आता है। तो इसी प्रकार ये इस्कॉन संस्था जो है वो पूरे देश विदेश में सभी वर्ग के लोगों को, चाहे बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे गृहस्थ लोग हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी प्रकार के वर्गों को उनके हिसाब से वैदिक ज्ञान को उनको प्रस्तुत कर रहा है। तो इसी प्रकार जो है लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और अपने आप ही लोगों के शास्त्रों के प्रति रुचि बढ़ रहा है, संस्कार का सुरक्षा हो रहा है, हमारा जो संस्कार है उस वो संस्कार का सुरक्षा हो रहा है, और अल्टीमेटली लोगों को सुख और बेनिफिट मिल रहा है, लोग आनंदित हो रहे हैं। आजकल के संसार में आप देखते हैं कि कितना लोगों के अंदर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन में लोग रहते हैं, स्ट्रेस है, लेकिन जैसे ही ये जो कृष्ण भावनामृत का वो लोग अभ्यास करते हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और इस्कॉन संस्था के द्वारा, तो तुरंत उनके जीवन में आनंद का अनुभूति होता है, और वो लोग अपने जीवन में जो है बहुत ही सुखपूर्वक अपना जीवन को निर्वाह करते हैं। तो आपका ये प्रश्न का उत्तर मिला आपको? हरे कृष्णा।